आदर करते हुए अखिलेश को भाई मोर्चा जिताना यहाँ पर समाजवादी विजय रथ पर प्रोग्रेसिव सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवराज सिंह यादव जी, ऐतिहासिक कार्यक्रम आज इटावा में हो रहा है। इस कार्यक्रम के लिए मैं एक एक समाजवादी पार्टी और गठबंधन के सभी सहयोगी दलों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इटावा में जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है, ये जोश और उत्साह ये बदलाव का फैसला है। भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से पहले चरण में दूसरे चरण में सफाया हुआ है, इटावा आते आते भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया होने जा रहा है। आपने सुना होगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि जल्दी निकाल देंगे, कार्यकर्ता सुन्न हो गए हैं और इस बार तीसरे चरण के वोट डालने के बाद भारतीय जनता पार्टी सुन्न हो जाएगी। सुन्न बताओ, भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया कि नहीं दिया? भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलते कि नहीं? ये झांसा देते हैं कि नहीं? बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग झगड़ा कराते हैं कि नहीं कराते? और इनके नेताओं के अगर भाषण सुने होंगे तो छोटे नेता छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और वो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है कि नहीं है? इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा, और जब से ये सरकार में आए हैं इन्होंने सरकारी हवाई जहाज बेच दिए, और हवाई जहाज जो खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट बेच दिए, रेलगाड़ियां बेच दी, और रेलवे की कीमत जमीन बेच दी, पानी के जहाज बेच दिए, और पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं वो बंदरगाह बेच दिया। बताओ, बेच दिया कि नहीं बेच दिया? वो कहावत सुनी है, न रहेगा बांस तो नौकरी कहां से मिलेगी? बताओ,
नौकरी मिलेगी क्या? ये जो गर्मी निकालने वाले हैं हम कैसे जा रहे हैं? समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में नौकरी निकालेंगे, पुलिस में नौकरी निकालेंगे। ये जो 11 लाख पद खाली हैं, उन 11 लाख पदों को भर करके नौजवानों को नौकरी देने का काम समाजवादी सरकार ने। इधर बाबा जी ने बहुत लैपटॉप बांटे, स्मार्टफोन बांटे। लगता है ढाबा वालों को कुछ नहीं मिला, और आपको देते भी क्यों? बाबा जी खुद लैपटॉप नहीं चला पाते, और अभी जो उन्होंने ढाबा की तस्वीर लगाई थी मोबाइल से, वो खुद पूरब देख रहे हैं, जनता पश्चिम देख रही है। अभी तक तो हमें लगता था कि लैपटॉप नहीं चला पाते हैं, ये ताला की झूठी तस्वीर लगी है, तब से पता लग गया ये स्मार्टफोन ही नहीं चला पाते। खेतों की रखवाली हमारे किसान कर रहे हैं, न उन्हें खाद मिली, न उसकी फसल की कीमत मिली, हमारे व्यापारियों का नुकसान हुआ, कोरोना ने जान गई। और बाबा मुख्यमंत्री, ये बाबा मुख्यमंत्री है, वो अपना प्रिय जानवर भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। बताओ सांड को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे? सांड को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? मुझे खुशी है इस बात की कि आज हमारे साथ कर्मचारियों के सबसे बड़े नेता हरकिशोर तिवारी जी हमारे साथ हैं। मुझे याद है कि हम लोग लगातार साथ मिलकर के काम करते रहे हैं, और लगातार हम लोगों ने बैठक करके हमारे जो कर्मचारियों की पुरानी समस्या थी, उनकी मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो। आपको याद होगा कि हरकिशोर तिवारी जी और हम लोगों ने मिलकर के फैसला ले लिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का काम हमने किया। और आपने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा होगा, 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। जब से 300 यूनिट फ्री कहा है, बीजेपी की बत्ती गुल हो गई है, उनका ट्रांसफार्मर फूक गया है। इसलिए इटावा के लोगों से हमारा विशेष निवेदन है, ये इटावा हम सबका घर है, हम कहीं चले जाएं, लेकिन इटावा का पर्चे हमारे नाम से नहीं हट सकता। सम्मान बढ़ाया है, समय समय पर इतना आशीर्वाद दिया है, और नेताजी भी साथ हैं आज। और वैसे तो चाचा के आने से मामला ठीक हो गया है, के कार्यक्रम में चार चांद लगा दिया। ये सम्मान हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। मैं अपने नौजवान को कहना चाहता हूँ, प्राथमिक शिक्षा भर्ती मदद होगी, शिक्षा में कमी मदद होगी, और तमाम सरकारी जो
को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। समाजवादी पहचान नेताजी और समाजवादी पार्टी ने बनाई है।